चास के राम रुद्र हाई स्कूल में धनबाद सांसद पीएन सिंह के सांसद प्रतिनिधि हरे राम मिश्रा भैया आर्यन ओझा प्रेम कुमार सहित कई लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि श्री मिश्रा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यही संदेश देना चाहता हूं कि सभी लोग प्रतिदिन योग करें तथा स्वस्थ रहें। योग करने से लोगों को कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। भैया आर्यन ओझा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को योग करने की ज़रूरत है। योग करेंगे तभी वह तंदुरुस्त रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को संदेश दिया कि योग करें तथा फिट रहें। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। आज योग दिवस है, आज क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरे विश्व में मानवता को स्वस्थ करने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो यूएनओ में इसे स्वीकृत कराया, पूरा विश्व आज योग की महत्व को समझ रहा है और आज पूरी दुनिया स्वस्थ हो रहा है। डॉक्टर के पास कम जा रहा है, दवाइयां कम खर्च हो रही हैं, रोग कम हो रहा है। इस तरह से पूरी दुनिया सहित, पूरे भारत सहित, पूरे पारोशील सिटी में भी रोज़ हम लोग योग मना रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। और पूरी जनता से ये प्रार्थना है, आग्रह है, निवेदन है कि हम लोग योग अपनाएं और निरोग रहें। ऐसा नहीं कि एक दिवस आज है तो आज के दिन ही सब करते हैं, ऐसा तो नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा नहीं, मेरा संदेश ये है कि प्रतिदिन समय निकाल करके बालक, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं, बहनें सभी योग करें। समय निकालकर योग निश्चित रूप से करें, प्रतिदिन करें। आज तो योग दिवस के अवसर पर योग होगा ही, लेकिन प्रतिदिन योग को अपने जीवन में अपनाएं और निरोग रहें। ये क्या योग दिवस पर आप देना चाहते? योग दिवस पर मैं संदेश देना चाहता हूँ कि 21 जून के ही क्यों हम लोग रोज़ रोज़ योग दिवस मनाएं और रोज़ रोज़ योगा करें, स्वस्थ रहें। इसलिए आम जनता से आग्रह है कि 21 जून ही नहीं, सारी दिन जो करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, खूब टहलें, स्वस्थ रहें, बम बम रहें।